Dear profiteers, welcome to our new video on your favorite channel, The Profit Curve. Guys, इस वीडियो में आज बात करते हैं पॉलिसी बाजार. मैंने आपको ऑलरेडी कमिट किया था कि एक नॉर्मली IPO पे हम बहुत कम वीडियोस बनाता हूँ. नॉर्मली आई डोंट लाइक टू यू नो जज अ कंपनी बिफोर इट इज़ गिविंग ऑल इट्स नंबर्स पब्लिक एंड थोड़ा डिटेल आने के पहले, लेकिन ये वाला केस थोड़ा डिफरेंट है. मच लाइक Zomato का IPO जब आया था आपको याद होगा, तो इसमें भी वैसा ही कुछ है कि देर आर अ लॉट ऑफ एक्सट्रीमली ऑपोजिट ओपिनियंस ऑन दिस IPO. एंड उस वजह से ऐसा हुआ है कि आप देखोगे कि बहुत सारे लोग इसके फेवर में हैं, बहुत सारे लोग इसके फेवर में नहीं भी हैं. सो लेट्स टॉक क्विकली अबाउट वॉट आर द प्रोज एंड कॉन्स बिफोर वी टेक एनी साइड ऑन दिस वीडियो. स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर: All suggestions, stock ideas on the profit curve are my personal opinion, researched opinion है. आप कोई भी position लेने के पहले अपने registered financial advisor या कोई और consultant से ज़रूर सलाह लीजिए, and then get in, then make an investment, right? So this is starting today on 1st November. अगर आप देख रहे हो ये आज खुलेगा IPO. लॉट साइज 15 शेयर्स का है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,100. स्टैंडर्ड प्राइस बैंड जो इन्होंने रखा है विच इज़ प्रिटी गुड एक्चुअली, 942-980, ठीक है. मतलब ऐसे तो ये भी ओवर प्राइस्ड ही लगेगा काफ़ी लोगों को, बट इट्स फाइन. 6,000 करोड़ का टोटल इशू है, सो उस हिसाब से इट्स फाइन, परफेक्टली ओके. PB फिनटेक ये कंपनी है, पेरेंट कंपनी. फॉर वॉट डज पॉलिसी बाजार डू? आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा ये पैसा बाजार, पॉलिसी बाज़ार, ये लोग बेसिकली आपको सिलेक्ट करने में हेल्प करते हैं. बेसिक पॉइंट जो मेरा है इंश्योरेंस पॉलिसी सिलेक्ट करने में, ये हेल्प करते हैं आपको. माय बेसिक पॉइंट लेडीज़ एंड जेंटलमैन एंड इन्वेस्टर्स इज़ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन पूरे कंट्री में अभी भी सिर्फ 20 या 21% है. वी आर द मोस्ट अंडर इंश्योर्ड ग्रुप ऑफ पीपल एंड वी आर 130+ करोड़ पीपल इन द कंट्री. तो आप सोचिए कि इंश्योरेंस एज अ सेक्टर में अभी ग्रोथ Tier 3, Tier 2 से आना बाकी है. इसीलिए इंश्योरेंस से कनेक्टेड जो फिनटेक बिजनेसेस हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ग्रो करते हुए देखेंगे. उसमें 93% मार्केट शेयर पॉलिसी चूजिंग में पॉलिसी बाजार का है, राइट. सो अब इसके आगे ये डिटेल्स बाय द वे मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्रॉम द वेबसाइट grow.in. डिटेल्स काफ़ी अच्छा देते हैं, यू नो प्रोज एंड कॉन्स अच्छे से मेंशन करते हैं, तो इट्स इजी फॉर अस टू चॉक आउट द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. तो अगर इस IPO के, इस कंपनी के स्ट्रेंथ्स के बारे में देखें, इट्स ऑब्वियसली अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर फ्रेंडली ब्रांड है. ये ब्रांड पोजिशनिंग इसकी काफ़ी अच्छी रही है, देर इज़ नो इशू ऑन दैट काउंट. दूसरा अगर आप देखें तो इट हैज़ अ प्रोप्राइटरी स्टैक, यानि कंपनी काफ़ी यूज़र फ्रेंडली प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाती है और सेल करती है. इंडियाज़, ये पॉइंट देखिए, इंडियाज़ लार्जेस्ट डिजिटल इंश्योरेंस मार्केट प्लेस विथ अ 93.4% मार्केट शेयर. ये पॉइंट आप देखेंगे तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पॉलिसी सोल्ड इन फिस्कल 2020 इन द मिडल ऑफ द पैंडमिक, मार्केट शेयर भी इनका इम्प्रूव हुआ है, एफिशेंसी इम्प्रूव हुई है, एंड 93% इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ मोनोपोली. लार्ज एफिशेंट इंटेलिजेंट नेटवर्क है, 51 इंश्योरर पार्टनर्स एंड 54 लेंडिंग पार्टनर्स हैं. मतलब ये भी जैसे Zomato एक फूड टेक इकोसिस्टम आपका बना रहा है, वैसे पॉलिसी बाजार इज़ ऑल्सो मेकिंग अ फिनटेक इंश्योरेंस इकोसिस्टम. मतलब ये सिर्फ एक इंश्योरेंस चूजिंग कंपनी नहीं है, इट्स एन इकोसिस्टम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. नाउ एक पॉइंट आप ये देखेंगे, माइक्रो सेगमेंटेशन. इसका मतलब है कंपनी ने फर्दर अंदर अंदर घुस के जहाँ पेनिट्रेशन चाहिए इंडिया में, Tier 2, Tier 3, गांव गांव में लोगों को इंश्योरेंस का अभी भी इम्पोर्टेंस, महत्व नहीं पता है, तो वहाँ पे घुस के उन्होंने प्रोडक्ट ऑफरिंग्स अपने बढ़ाने की कोशिश की है. दे हैव स्ट्रीमलाइन देयर ट्रांजैक्शन प्रोसेसेस. सो ये सब अच्छी बातें हो गई. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई फेल्ट इज़ कैपिटल एफिशिएंट मॉडल है. मतलब अभी आप देखते हो स्टील कंपनी, शुगर, सीमेंट, ये केपेक्स की बात करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, केपेक्स करेंगे, बड़ा प्लांट लगाएंगे. डिजिटल बिजनेसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट. आपको बेसिकली सिर्फ सिस्टम बनाना है, IT नेटवर्क डिपेंडेंट हैं,
प्लांट एंड मशीनरी का कोई कॉस्ट नहीं है, इसीलिए आप देखो ये पॉइंट में लिखा हुआ है लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, राइट, वेरी क्लियरली मेंशन. कैपिटल एफिशिएंट मॉडल है, फालतू का खर्चा नहीं है, वेस्टेज नहीं है. दैट्स व्हाई वी लव दीज काइंड ऑफ कंपनीज जो कंज्यूमर कन्वर्जन जल्दी करेंगी. ROC, ROE, आई एम श्योर इनका अभी उतना अच्छा नहीं है, बट जस्ट लाइक जोमैटो में हम लोग बहुत बुलिश थे, ये लॉन्ग टर्म के लिए सही टाइम पे सही एंट्री वाला प्रोडक्ट लग रहा है. अब इसके थोड़े रिस्क इन्होंने गिनवाए हैं, उसमें एक कोविड का आउटब्रेक सबसे बड़ा रिस्क है. इंश्योरेंस सेक्टर के लिए ही बहुत बड़ा रिस्क था कोविड, बिकॉज यू नो इंश्योरेंस सेक्टर वॉज चैलेंज्ड. इसीलिए आप देखो ना, HDFC लाइफ इंश्योरेंस जैसी कंपनी एक रेंज के ऊपर अब तक जा नहीं पाई है. इट हैज़ ट्राइड टू क्रॉस 750, 760 अ लॉट ऑफ टाइम्स. इवेंचुअली अब जिसने जमा किया है LIC के लिस्टिंग के बाद, पूरा इंश्योरेंस एंड कनेक्टेड स्पेस आपको एक यू नो बाउंस बैक करता हुआ दिखेगा नेक्स्ट ईयर. तो दिस इज़ द टाइम टू बल्क अप ऑन दीज काइंड ऑफ कंपनीज. अगर आपको IPO में लगता है वेल एंड गुड, मुझे लगता है यहाँ पे कोविड जाने के बाद इंश्योरेंस विल बी द सेक्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर और द ईयर्स टू कम. एक बहुत अनटैप्ड सेक्टर है अभी भी. एंड दिस कंपनी इज़ एन इनेबलर, मतलब ये आपको सही पॉलिसी चूज़ करने में मदद कर रहा है. तो इट्स गॉट इट्स वेरी ओन नीश मार्केट. तो रिस्क इन्होंने बहुत सारे गिनवाए हैं जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, लेकिन मुझे लगता है मेन रिस्क जो इसका है, लॉज एंड रेगुलेशंस गवर्निंग द ब्रोकिंग बिजनेस, एक ये छोटा सा रिस्क है इसमें. अदरवाइज़ ये जो बाकी पॉइंट्स आप देख रहे हो वो थोड़े मुझे लगता है फार फेच्ड रिस्क हैं. बेसिकली इस बिजनेस में बिजनेस रिस्क बहुत कम लगता है मुझे. आई डोंट सी अ बिजनेस रिस्क. एक प्रॉब्लम है ऑब्वियसली, देखिए इसका रेवेन्यू अगर मैं देखूँ तो रेवेन्यू कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, विच इज़ अ गुड साइन. प्रॉब्लम यह है कि प्रॉफिट अभी ये कमाने लगेगी शायद नेक्स्ट फिस्कल ईयर से. अब तक ये लॉसेस में है, लेकिन देखिए इनके लॉसेस कोई 1000 करोड़, 2000 करोड़ नहीं है. इट्स 347, देन कम होके 304, एंड अब 150 करोड़ पे रह गए हैं. तो अब ये जो मनी रेज करेंगे, दे आर ट्राइंग टू रेज अराउंड 6000 करोड़ और वट एवर. जैसे ही पैसा रेस करेंगे, यहीं से डिजिटल कंपनीज़ की दूसरी यात्रा शुरू होती है टूवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी. जोमैटो के IPO के बाद दे वर सिटिंग ऑन 15000 करोड़ ऑफ कैश. लेट्स सी पॉलिसी बाजार के IPO के बाद कितना कैश, कितने कैश पे ये लोग बैठते हैं. इवेंचुअली मुझे एक बात पता है लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इन्वेस्टर्स, प्रॉफिटियर्स, दैट इस तरह की कंपनीज़ को अगर आप थोड़ा इसमें पेट्रोल डालते हैं, लिटरली जैसे अगर इसको इन्वेस्टर मिलेंगे हाथों हाथ लेंगे कल, यू नो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आप देखोगे नवम्बर जो इसका ओपनिंग है, हाथों हाथ पीपल विल बाय. आई कैन टेल यू वेरी ऑनेस्टली कि इसमें बहुत ख़रीदारी होगी. रेवेन्यू अच्छा है, ग्रो कर रहा है. अगर आप 2019 और 2020 का रेवेन्यू देखो तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 327 करोड़ बड़ा है, विच इज़ 60% ग्रोथ दिख रहा है. और ऑफ कोर्स 2020, 2021 में भी कम से कम 15% का ग्रोथ इसमें दिखाया है. तो अब सवाल यह है कि कितनी जल्दी ये कंपनी प्रॉफिटेबल होती है, राइट. अदरवाइज पॉलिसी बाजार ऑन द होल इज़ लुकिंग वेरी गुड, वेरी स्टैंडर्ड. मुझे लगता है सब्सक्राइब करके देख लेना चाहिए अगर आपको मिलता है तो. मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से यू शुड होल्ड इट फॉर एटलीस्ट अ डेकेड, कम से कम 10 साल के लिए इसमें होल्ड करेंगे तो शायद आपको ये हर साल अच्छे रिटर्न कमा के दे सकता है. डेफिनेटली एट द प्रॉफिट कर्व, गोइंग बाय अवर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, वी हैव अ बाय ऑन पॉलिसी बाजार. अप्लाई फॉर द IPO एंड कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड. इफ़ यू गेट इट, प्लीज़ डोंट सेल इट ऑन लिस्टिंग, इसको पकड़ के रखिए. कीप प्रॉफिटिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन. आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.